गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट वन मास डिफेक्ट, सेकंड वन बाइंडिंग एनर्जी यानी ईबी, एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें नाइट्रोजन दिया है। दोस्तों ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके सामने लिखा हो N714, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेड एंड देन एन ये फाइंड करना पड़ेगा। चलो जेड मतलब 7 हो जाएगा, जिसे मैं बोलूंगा प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा ए माइनस जेड यानी 14 माइनस 7 यानी 7। बोलो मेरे सामने न्यूट्रॉन रेडी है, मेरे सामने प्रोटॉन रेडी है। अब क्या करेंगे, अब हमें याद करना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला मास डिफेक्ट वाला क्या था। डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन, याद आ रहा है दोस्तों, माइनस एन। इसको कैलकुलेट करें उससे पहले आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी, जिसे मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 यू। दोस्तों इसको आप याद ही रख लो, मास ऑफ प्रोटॉन यू में जो न्यूमेरिकल्स में लगाता रहेगा। दूसरी बात, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.007 वाला प्रोटॉन, 866 वाला न्यूट्रॉन, 866 वाला न्यूट्रॉन, 866 वाला न्यूट्रॉन। चलो रेडी हो जाओ दोस्तों, फटाफट मजा आ जाए। फास्ट कैलकुलेट करेंगे Z की वैल्यू दोस्तों 1.007825, ये हमारा हो जाएगा ZMP, 1.008666 ये हो जाएगा हमारा NMN, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया है 14.00307। अब ये सारी चीज दोस्तों U में है, फटाफट आप कैल्सिस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको U मिल जाएगा 0.11234 U। रिपीट दोस्तों, इतना आपका आंसर आएगा 0.11234 भी लिख सकते हैं U। अब याद करो दोस्तों, जैसे ही आपको ये मास ऑफ डिफेक्ट मिल जाए उसके बाद आपको एनर्जी फाइंड करनी है। बोलो क्या था एनर्जी का फॉर्मूला, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। पर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान दिया है तो ये 0.11236 इनटू, आप इसको मत कैलकुलेट करो, यू का मैंने कन्वर्जन सिखाया था 931.5 क्यू। आप यू में से किलोग्राम में जाओ, फिर उसको सी 3 × 10⁸, कितना लंबा हो जाएगा, फिर एनर्जी मिलेगी वो जूल में मिलेगी। आप उसमें से इलेक्ट्रोवोल्ट में जाओ, नहीं दोस्तों इसका डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर दो तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। फास्ट दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर दो, 104.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है जो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन के लिए है। बोलो डन, ये परफेक्ट हो गया। अब उसके जैसा आयन पे काम करेंगे, Fe पे काम करेंगे। चलो फटाफट दोस्तों, मैंने सिखाया था उसके हिसाब से दो पार्ट कर दो, यहां पे Z यहां पे N। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेगा 26 और न्यूट्रॉन की वैल्यू मतलब E माइनस जेड, ए की वैल्यू 56 माइनस 26, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 30। चलो रेडी हो जाओ मास डिफेक्ट वाला फॉर्मूला फटाफट। क्या था, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम। चलो चलो फास्ट, जेड की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों 26, मास ऑफ प्रोटॉन अभी मैंने प्रिपेयर करवाया 1.007825 माइनस 30, न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.00866 ये हो गया ब्रैकेट वाला, माइनस मास ऑफ एपी 55.934939। लंबा कैलकुलेशन है दोस्तों, प्लीज ध्यान रखना कैसे से गलती मत करना, आपको डेल्टा एम मास डिफेक्ट मिल जाएगा जो 0.52846 यू जितना हो।
चलो क्या किया था, जैसे ही आपको मास डिफेक्ट मिल गई यानी डेल्टा एम मिल गया, सर अभी अभी आपने बोला कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर 0.52846 किससे मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स 1931.5। तो हमने इसका कैलकुलेशन किया दोस्तों, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी जो किसके लिए होगी, एफ ई के लिए होगी 492.26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे जैसे एलिमेंट भारी होता जाएगा, 7 की जगह 26 हो गया भारी होता जाएगा, 14 की जगह 56 हो गया भारी होता जाएगा, वैसे जैसे बाउंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। जबकि यहां पे हमने कुछ और भी बोला है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर ए, ए मतलब न्यूक्लियस नंबर जो आपके पास अवेलेबल है दोस्तों 56, ऊपर वाला 492.26। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं दोस्तों तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8.79 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट भी बोल सकता हूं। दोस्तों एक मजे की बात बोलूं, दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा जिसकी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, रिपीट, न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इससे कम ही आएगी, क्योंकि ये सबसे 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 हाईएस्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है 8.8। आपको लगे नहीं सर ऐसा नहीं होता तो दूसरा ट्राई करते, चलो आ जाओ रेडी हो जाओ फटाफट जल्दी फास्ट। जेड और एन, दोस्तों जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके पास अवेलेबल है 83, जबकि न्यूट्रॉन को फाइंड करना है तो न्यूट्रॉन मतलब दोस्तों ए माइनस जेड ए की वैल्यू 209 माइनस 83, तो न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो 126। न्यूट्रॉन रेडी, प्रोटॉन रेडी, चलो 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 जल्दी फास्ट 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 मेरे दोस्तों। मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एन, ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया। चलो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो Z की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 83, ये हो गया 1.007825 प्लस 126 1.00866, दिख रहा है सबको ये माइनस, दोस्तों माइनस आएगा आपका कैपिटल M जो आपने पहले लिखा हुआ है 208.98038 दोस्तों, फोन नंबर जितना बड़ा नंबर आ रहा है। चलो आप रेडी हो जाओ, इसको फटाफट कैलकुलेट कर दो, 1.760877 के नजदीक आपका डेल्टा एम आ जाएगा। दोस्तों फिर से वही बात हो रही है, जैसे ही आपको डेल्टा एम मिल जाएगा, देखो मेथड सेम जा रही है, पूरी मेथड सेम जा रही है, आपका बस कैलसी ध्यान रखने वाला है कि प्लस माइनस की गलती ना हो। चलो जैसे हम लोग ई बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम की जगह ये रहा 1.760877, सी की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोस्तों ये बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों का कैलकुलेशन कर दो, 1640.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोस्तों बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार हमारे पास ये आंसर आ गया। पढ़िए दोस्तों, बाइंडिंग एनर्जी आपको फाइंड क्या करनी है, न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी को आप किससे, ए से डिवाइड करोगे। तो अब मजा आएगा, जो आपको समझना है वो ये मैंने लिख दिया, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 209। चलो दोस्तों अब आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा ए 7.848 जितना, यानी अप्रोक्सीमेटली लिखो तो 7.85 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स। देखो ये आपका आंसर इससे कैसा आया, छोटा आया, वही तो मैं बोल रहा दोस्तों, कोई भी एलिमेंट अगर दुनिया में है तो उसमें से एफ ही है, उसकी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, बाकी जैसे जैसे एलिमेंट हैवी होता जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी।
ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए। ये तीनों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देख लो, दो तीन बार लिख दो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जिसमें कोई टफ चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ MCQs रिलेटेड बात हो सकती है।